इंट्रोडक्शन टू नो एसक्यूएल। नो एसक्यूएल जाना गया है नॉट ओनली एसक्यूएल डेटाबेस सिस्टम, जिसका बेस पर्पज एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करना है डेटा को स्टोर करने के लिए, उसे रिट्राइव करने के लिए, उसे अपडेट, ऐड और इजी वे के अंदर। ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर है MongoDB के साथ। सबसे बड़ा फायदा इसका ये है कि ओपन सोर्स है, फ्री है, इसकी ह्यूज वैरायटी है, जिसकी वजह से बहुत सारे डेवलपर्स इसकी तरफ मूव हो रहे हैं। ट्रेडिशनल डेटाबेस सिस्टम्स के अंदर RDBMS आता है, जिसमें MS SQL, MySQL, MariaDB, Oracle, so on, ये बहुत ज्यादा दुनिया में यूज हो रहे हैं। लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ये जब नाकाम रहे, तो नो एसक्यूएल का कॉन्सेप्ट जो है ना वो सामने लाया गया और इसका यूज बहुत ज्यादा होने लगा और डिफरेंट टाइप की फैसिलिटीज इसमें हमें मिली और डेवलपर्स को इसमें इंटरेस्ट पैदा हुआ। फिर बहुत सारी एप्लीकेशंस जब इसके ऊपर बिल्ड हुई और बिग डाटा का कॉन्सेप्ट जो कि आजकल कॉमन है, उसमें इसका यूज बहुत ज्यादा है। और इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज जो हमें मिलती हैं, उसमें कैपेसिटी क्लस्टर की जो इंक्रीज करना, वो ये चीज प्रोवाइड करता है नो एसक्यूएल। स्कीमा फ्री है, इसके अंदर हमें कोई स्पेसिफिक चेंजेस डेटाबेस में जाकर नहीं करनी पड़ती, बल्कि अपनी जो स्टोरेज डेटा है उसी के अंदर चेंजेस करके हम उसे एक एक ही गो में सेव कर सकते हैं, जो कि ट्रेडिशनल डेटाबेस के अंदर इजी नहीं था। अगर एक एक आम डेटाबेस लाइक MS SQL या MySQL या so on, इस तरह की किसी भी डेटाबेस के अंदर अगर आप कोई चेंज करना चाह रहे हैं, तो आपको डेटाबेस के अंदर उसके टेबल के अंदर जाके एक मैसिव लेवल पे चेंज करना पड़ता था, जिसमें हमें बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी था और डेवलपर्स को इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आते थे। बाज का डेटाबेस क्रैश हो जाती थी, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे जो कि इजीली रिजॉल्वेबल नहीं थे।